एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो पहला है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी आर ओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर डी सही। दूसरा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? थ्राटल एयरोस्पेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर पहला। तीसरा, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियंस में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो तीसरा का भी होगा, हुंगेरा मुश्ताक। चौथा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? तो रिलायंस जियो। सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। पांचवा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है, इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नाविक। छठवा, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? RBI को। ऑप्शन नंबर सी। सातवां, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर श्राइडिंग उड़ने वाली टैक्सी एहेंग की EH216S को मंजूरी दी है? तो किसको मंजूरी दी है? चीन को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अठवा, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नौवा, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड। दसवा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 11, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 U3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर ए, मनीला। निम्नलिखित में कौन एडेलविंग हुरून इंडिया पेशेवर सूची 2023 में शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर सी, शिव नादर। 13वां, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने
इस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर ए बिहान ताल्या विकास। 15 प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी DRDO। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए AI को चुना गया। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSMU-SAT लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 18 वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शमी। उन्नीसवा रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बोलोविया। 20 हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन नंबर ए केरल। 21 आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान का बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS ने आयुर्वेद ज्ञान नौकुड़े पहला AGNI की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर डी आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ऑप्शन नंबर डी। 22 हाल ही में प्रदान किए गए GI Tag उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हुई नियुक्तियों से संबंध में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 24 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ICSR कोझीकोड ने ISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म की विकसित किया है? चौबीस का ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च। 25 निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को
उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 26, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? 27 का ए सैयदना मुफाइल सैफुद्दीन। 27 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 28 का भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? 28 का होगा बी उत्तराखंड। 29 नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? 29 का सी म्यांमार। 29 का सी म्यांमार। 30 हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। 31 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। 32 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। 33 निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी 34 भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी? 34 को ऑप्शन नंबर ए कनाडा। 35 निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? तो किसने जीता? 35 का ए पंकज अड़वाड़ी ने। किसने जीता? हाल ही में सौरव गंगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल।
छात्रों के लिए सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य के किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो 37 का ए उत्तर प्रदेश। 38 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी गोवा। ऑप्शन नंबर सी आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली को। सेथ्रिस फलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर बी निकारागुआ। क्या होगा? निकारागुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को USA, ऑप्शन नंबर ए 42 ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डी उपयुक्त सभी। पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है? 43 का ए माइका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? पंजाब। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो कौन बने? ऑप्शन नंबर ए एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर ए हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 46 का बी हीरा लाल समरिया को। 47 नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। 48 गीत एम्बेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सभी। 49 पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFST 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 49 का डी उपयुक्त सभी।
50 माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? 50 का ए शीतल महाजन। कौन बनी? शीतल महाजन। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।